सुप्रभात। आज पांचवा पाठ पढ़ेंगे सूक्ति मौक्तिकम्। प्रस्तुतोऽयं पाठः नैतिक शिक्षाणां प्रदायक रूपेण वर्तते। अस्मिन् पाठांशे विविध ग्रंथेभ्यः संग्रहणं कृत्वा नाना नैतिक शिक्षा बोधक पद्यानि गृहीतानि सन्ति। अत्र सदा चरणस्य महिमा प्रियमार्या आवश्यकता परोपकारिणां स्वभावः गुणार्जनस्य प्रेरणा मित्रतायाः स्वरूपं श्रेष्ठ संगतेः प्रशंसा तथा च सत्संगतेः प्रभावः इत्यादीनां विषयाणां निरूपणम् अस्ति। संस्कृत साहित्ये नीतिग्रंथानां समृद्धाः परंपरा दृश्यते। तत्र प्रतिपादित शिक्षाणां अनुगमनं कृत्वा जीवन साफल्यं कर्तुं शक्नुमः। प्रस्तुतोऽयं पाठः प्रस्तुत पाठ नैतिक शिक्षाणां प्रदायक रूपेण वर्तते। नैतिक शिक्षा को के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नैतिक शिक्षा को के रूप में यह नैतिक शिक्षा किस तरह से प्राप्त करें इसके लिए यह प्रस्तुत किया गया है। अस्मिन् पाठांशे इस पाठ अंश में विविध ग्रंथेभ्यः इस पाठ में विविध ग्रंथेभ्यः संग्रहणं कृत्वा विविध अनेक ग्रंथों से संग्रहण करके उद्धृत करके नाना नैतिक शिक्षा बोधक पद्यानि अनेक नैतिक शिक्षा के का बोध कराने वाले पद्यांशों को ग्रहित किया गया है। ग्रहितान संति ग्रहित किए गए हैं। संति अस्ति अस्तः संति रूप चलता है। अत्र सदाचरणस्य यहाँ सदाचरण की महिमा प्रियवाणी की आवश्यकता परोपकारिणां स्वभावः परोपकारियों का स्वभाव गुणानाम अर्जनस्य प्रेरणा गुणों के को का के अर्जन का के लिए प्रेरणा मित्रतायाः स्वरूपं मित्रता का स्वरूप श्रेष्ठ संगतेः प्रशंसा श्रेष्ठ संगति की प्रशंसा और सत्संगतेः प्रभावः सत्संगति का प्रभाव इत्यादीनां विषयाणां निरूपणम् अस्ति। इत्यादि विषयों का निरूपण किया गया है। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथानां समृद्धा परंपरा दृश्यते। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा है। तत्र प्रतिपादित शिक्षाणां अनुगमनम् अनुगमनं कृत्वा जीवन साफल्यं कर्तुं शक्नुमः। तत्र यहाँ प्रतिपादित शिक्षाणां अनुगमनं कृत्वा इसका अनुगमन करके जीवन को सफल बना सकते हैं, सफल करने में समर्थ हो सकते हैं। अब यहाँ पहला श्लोक मनुस्मृति से दिया गया है। यहाँ पर यह बताया सदाचार के बारे में बताया गया है कि हमें हमेशा अपने अच्छे आचरणों के द्वारा ही हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो सदाचार का महत्व बताया गया है, मनुस्मृति से लिया गया है। तो वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा च एव चैवार्थताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्।
प्रीवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। अगला पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। पहले श्लोक देखते हैं। वृत्तं यत्नेन संरक्षेत, वित्तम और वित्त, वृत्त और वित्त। वृत्त माने होता है आचरण चरित्र और वित्त माने होता है धन। तो वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, आचरण की रक्षा यत्न पूर्वक करनी चाहिए, हमेशा अच्छे आचरण का ही का अनुकरण करना चाहिए और अच्छे आचरण का के अनुसार ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो वृत्तम यत्नेन यत्नपूर्वक चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। अब वित्तम एति च याति च, धन वित्त में होता है धन, एति धन तो आता है, च याति च और चला जाता है, धन आता है और चला जाता है, इसलिए धन की रक्षा से अच्छा यह है कि हम अपने चरित्र को की यत्न पूर्वक रक्षा करें। क्यों? कि अक्षीणो वित्ततः, वित्ततः क्षीणो, अक्षीणो वित्ततः क्षीणो अवित्तस्तु हतोहतः। धन के क्षीण होने पर, धन के क्षीण होने पर तो कुछ नहीं क्षीण हुआ, अर्थात कुछ नष्ट नहीं हुआ, धन तो पुनः कमाया जा सकता है, लेकिन वित्तस्तु वृत्तः वृत्तस्तु हतोहतः, वृत्त अर्थात आचरण चरित्र यदि नष्ट हो गया तो सब कुछ नष्ट हो गया, हतोहतः अर्थात यदि आदमी का चरित्र नष्ट हो गया तो वह मरे के समान हो जाता है। तो इसलिए हमेशा व्यक्ति को, मनुष्य को अपने आचरण का यत्नपूर्वक आचरण का यत्नपूर्वक रक्षा, आचरण की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन आता और जाता है, अक्षीणो वित्तः, और धन अगर नष्ट हो जाता है तो कुछ नहीं नष्ट हुआ, और यदि चरित्र नष्ट हो जाता है तो सब कुछ नष्ट हो गया, इसलिए हमें हमेशा अपने आचरण का की रक्षा यत्नपूर्वक करनी चाहिए। श्रूयताम धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैव एव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। धर्म सर्वस्वं श्रूयताम, धर्म सर्वस्वं श्रूयताम, धर्म और कर्तव्य के का सब कुछ, इन सबको धर्म और कर्तव्य बोध को सुनकर श्रूयताम, धर्म सर्वस्वम धर्म और कर्तव्य के बोध को श्रूयताम सुनो, अश्रुत्वा च एव अवधार्यताम और सुनकर च और श्रुत्वा सुनकर अवधार्यताम अपने जीवन में उतारो, अर्थात उसको अपने जीवन में उसको उतारो, उसके अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत करो। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत, आत्मनः प्रतिकूलानि जो आचरण अपने को अच्छा ना लगे, यानी जो बात अपने को अच्छी ना लगे, परेषां न समाचरेत, वह दूसरों के साथ वैसा व्यवहार नहीं कर, जिस जैसा आचरण जैसा व्यवहार हमें जो चीज अच्छी नहीं लगती, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ परेषां न समाचरेत, दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए, यह विदुर नीति में कहा गया है। अगला है चाणक्य नीति से है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। यहाँ पर ये ऊपर आ चुका है तुम्हारे प्रियवाणी आवश्यकता, प्रियवाणी की आवश्यकता है, तो प्रिय वाणी बोलने से सभी के सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं, मतलब पूरे प्राणी जो हैं वह
प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ तक कि मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी अगर उन्हें थोड़ी सी ऐसी सहानुभूति लगती है तो हमारे पास आने का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, प्रिय वाक्य बोलने से सभी जन्तवः प्राणिनः तुष्यन्ति, प्रसन्न होते हैं, सर्वे सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। तो तस्मात् तदेव वक्तव्यम्, तो वैसा, तदेव वक्तव्यम्, ऐसा बोलने में वचने का देवता, ऐसी बात बोलने में, ऐसे शब्दों का प्रयोग करने में किस प्रकार की कंजूसी, अर्थात हमें प्रिय वाक्य बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, यह चाणक्य नीति में कहा गया है। अगला श्लोक है ये पद्य अंश, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, न अदन्ति सस्यं खल्वारिवः, परोपकाराय सतां विभूतयः। नद्यः स्वयमेव अम्भ न पिबन्ति, नद्य नदियां, नदी नद्यो नद्यः रूप चलता है, तो नद्यः नदियां स्वयमेव अम्भः, स्वयं एव अम्भः न पिबन्ति, स्वयं ही अपने जल को नहीं पीती हैं, स्वयं ही अम्भः अपने जल को न पिबन्ति, नहीं पीती हैं। वृक्षाः फलानि स्वयं न खादन्ति, वृक्ष फलों को स्वयं नहीं खाता है, अर्थात ये इसलिए होते हैं, परोपकार के लिए फल देते हैं वृक्ष, नदियां परोपकार के लिए दूसरों के लिए बहती हैं। न अदन्ति सस्यम खलु वारिवाहा, वारिवाहा मेघा बादल, सस्यम अन्न को, अपने द्वारा उपजाए हुए अन्न को स्वयं न अदन्ति, निश्चित रूप से खलवाने, निश्चित रूप निश्चय ही वो न अदन्ति, नहीं खाते हैं, अर्थात मेघ जो वर्षा करते हैं, वर्षा करके जो अन्न उगाते हैं, जिससे वर्षा होने से अन्न जो उत्पन्न होता है उसको मेघ स्वयं नहीं खाते हैं। परोपकाराय सताम विभूतेह, सताम विभूतेह परोपकाराय, सताम माने सज्जनानाम, सज्जनों की संपत्ति परोपकार के लिए होती है, ऐसा कहा गया है। तो यह इसमें बताया गया है कि नदियां अपना जल नहीं पीती, वृक्ष स्वयं अपने फल नहीं खाते हैं, बादल वर्षा के द्वारा जो अन्न उगाते हैं उसे स्वयं नहीं खाते हैं, स्वयं नहीं ग्रहण करते हैं, और सज्जनों की जो संपत्ति होती है वह दूसरों के लिए होती है, परोपकार के लिए होती है। तो आज ये चार श्लोकों तक, बाकी के जो श्लोक हैं उनको आगे कल पढ़ेंगे, और पीछे कुछ पिछले पाठ का शेष रह गया था प्रश्न उत्तर का, तो पहले को एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला प्रश्न, एक पद में उत्तर लिखना है, जीमूत वाहन कस्य पुत्र अस्ति, जीमूत केतु, संसारे अस्मिन् कः अनश्वरः, संसार में अनश्वर क्या है, हमेशा रहने वाला क्या है, नष्ट न होने वाला क्या है, होता है तो परोपकार, परोपकार होता है जो नष्ट नहीं होता, हमेशा रहने वाला है। फिर है इसका ग, कल्प जीमूत वाहन परोपकार फल सिद्धे कम आराध्यति, कल्प पादपम या कल्प तरु, जीमूत वाहन से सर्वभूतानुकंपया सर्वत्र किं प्रथितम्, जीमूत वाहन की सभी प्राणियों पर दया करने से सर्वत्र किं प्रथितम्, सर्वत्र क्या फैल गया, तो यश फैल गया, यशम। कल्पतरु भूवि कानि अवर्षत, कल्पतरु जमीन पर किसकी वर्षा की, तो वसूनि धन की वर्षा की, इस तरह से, और ये इनके बता ही दिए हैं पहले से ही। तो अब आगे वाला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 6, स्थूल पदान अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरु, तरोः कृपया स सह पुत्रं अप्राप्नोत्, तरोः
तो यहां है कस्य कृपया स कल्पतरुवे निवेदयत, तो किससे निवेदन करता है, सह कल्पतरु से निवेदन करता है, तो कस्मै धनवृष्टयः कोऽपि दरिद्रः न अतिष्ठत, धनवृष्टि से कोई भी दरिद्र नहीं दिखाई देता, तो कथम, प्रश्नवाचक भी लगाएंगे आगे, कल्पतरुं पृथिव्यां धनानि अवर्षयत, पृथिव्यां तो गोत्र, कल्पतरु गोत्र धनानि अवर्षयत, जीवानुकम्पया जीमूतवाहनस्य यशः प्रासरत, जीवानुकम्पया तो कथम, हो गया। आगे है स्वस्ति तुभ्यम, स्वस्ति शब्दस्य योगे चतुर्थी विभक्ति भवति, स्वस्ति तुभ्यम, स्वस्ति शब्दस्य योगे, स्वस्ति स्वाहा स्वधा इसके लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, स्वस्ति माने होता है कल्याण, तो स्वस्ति शब्दस्य योगे चतुर्थी विभक्ति भवति इत्यनेन नियमेन अत्र चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्ता एवमेव कोष्टक गदेषु पदेषु चतुर्थी विभक्तिं प्रयोज्य रिक्त स्थानानि पूरयत् इत्यनेन नियमेन, इस नियम के से अत्र चतुर्थी विभक्तं प्रयुज्यः, यहाँ चौथी विभक्ति जोड़कर एवमेव कोष्टकगतेषु पदेषु चतुर्थी विभक्तं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत्, चौथी विभक्ति जोड़कर की चतुर्थी विभक्ति जोड़कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो स्वस्ति और यहाँ राजा दिया हुआ है, चौथी चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे तो स्वस्ति राज्ञी होगा। फिर आगे है प्रजा, तो स्वस्ति प्रजाभ्यः, छात्र है तो स्वस्ति छात्राय, छात्राय स्वस्ति, स्वस्ति यहाँ सर्वजन है तो स्वस्ति सर्वजनेभ्यः, यहाँ इस तरह से ये लिखा जाएगा। इसमें अगला भाग इसी का है, ख कोष्टक गतेषु पदेषु षष्ठी विभक्तं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत् तस्य गृहस्य, यहाँ पर गृह शब्द है तो षष्ठी विभक्ति जोड़ना है, तो जैसे बालकस्य बालकयोः बालका नाम चलता है, तो तस्य यहाँ पर गृह शब्द है तो गृहस्य हो जाएगा, उद्याने कल्पतरु आसीत् स पितुः अन्तिकम् अगच्छत्, पितु पितृ शब्द है, षष्ठी में पितुः बनता है रूप, जीमूतवाहन है, यहाँ षष्ठी में एक वचन में जीमूतवाहनस्य सर्वत्र यशः प्रथितम्, जीमूतवाहन का यश सर्वत्र सब जगह फैल गया। अयम तरुः, यहाँ किम है तो किम का रूप चलेगा तो षष्ठी में बनेगा कस्य, तो अयम कस्य तरुः, यह किसका पेड़ है, इस तरह से ये हो गया। कत प्रत्यय यहाँ पर है, इस प्रत्यय का प्रयोग सामान्यतः कर्मवाच्य में होता है, तो इसे बाद में देखेंगे, आज यहीं तक।